सत श्री अकाल, हमदर्द टीवी देख रहे हो। तुसी मैं हाँ तुहाडे नाल गुरजीत कौर। अज एक बार फिर तो पहुँच चुके हैं समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री दे ईटोबीको दे विच। अज मिठाई मेले ते खूब रौनकां देखण नूं मिल रहियां आ। पहले दिन तो इत्थे भीड़ आ ते अज कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो चुकी है, क्योंकि दिवाली जिवें जिवें नेड़े आ रही है तो होर भी लोगों का जिहड़ा इकट्ठ है वधदा जा रहा है। लोग अज खूब सारिया जिहड़ियां ट्रेज ने अपनियां भरियां होईयां ने लोगों ने, तो मिठाइयां की खरीददारी करन लगे हुए ने। तुसी भी जरूर पहुँच सकते हो। अंकल जी मौजूद ने, सत श्री अकाल अंकल जी, की कहना चाहोगे मिठाइया बारे? हाँ जी, मिठाइया बहुत वधिया जी, बहुत रौनक लगिया हुई ने, ते बहुत सानू वधिया लगता। इंडिया नालों भी वधिया लग रहा है इत्थे दिवाली? इंडिया नालों बहुत वधिया लगता जी, इत्थे बहुत सफाई है, साफ सुथरा है, ते बहुत ही वधिया लग रहा है जी, बहुत नज़ारा है, बहुत वधिया। सारे मुबारक दिवाली दी जी। लोगों नू दस कहोगे कि जरूर इत्थे विजिट करन, मिठाइया लैन? जरूर विजिट करन जी, जरूर विजिट करन। बहुत सफाई है इत्थे, ते बहुत खुला डुला माहौल है, कोई इत्थे रश नहीं है, ते बहुत वैरायटी है। तो बिल्कुल हर वारी जो असं समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री से आने लोगों के नाल गलबात करते हैं तो उन्होंने वालों बहुत चंगे रिव्यूज दिए जाते हैं, तो सारे यही कहा जाता है कि जरूर तुम भी जो हजे तक नहीं पहुँचे है समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री के दिवाली इनडोर मिठाई मेले, तो वो जरूर पहुँच सकते हैं। लगातार ये मेला 1 नवंबर तक हजे लग्या रहेगा। अंकल जी कैसी लग रही ने मिठाइयाँ, की कहना चाहो? बहुत वधिया जी, हर साल ही लई दी इत्थे, बहुत सोहना लगता पाया। तो बाकी कई मिक्स पसंद आ, कई सिर्फ बेसन, क्योंकि इस क्लैरिटी बहुत होंगी, प्योर होंगे है ना जी। तो बाकी जिदा की पसंद मैं तो लिस्ट बना के लिया है। हाँ जी, तो जिम्मे दसिया हर साल आने तो हर साल जो आने तो मिठाइया वैरायटी वही जा रही है? हाँ वही है, तकरीबन नवी नवी एक्सपैरीमेंट करते रहे, ये साढ़े पिंड मलदी है ना ता करके इतों ही ले दी है। हाँ जी, तो बिल्कुल बहुत वधिया जिहड़े रिव्यूज दिए जा रहे हैं। मैम तुसी की कहना चाहोगे इन्हां दीआं मिठाइयां बारे? वेरी नाइस, वेरी गुड, दैट्स एवरी टाइम। ते तुहाडे बच्चे भी पूरी फैमिली पसंद करदी है? या या, वेरी नाइस, ऑल द टाइम, एवरी टाइम वी गोइंग टू कम हियर, थैंक यू। तो मिठाइया इतने धड़ाधड़ विक रही ने, नवीं नवी मिठाइया की जी एडिशन की गई है। इस साइड के उत्ते भी तुम देख सकते हो बहुत सारिया जड़िया मिठाइया ने ट्रे दे विच पैक करके रखी हुई ने, तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री के बाहर इन्नी ज़्यादा अच्छ रश देखने को मिल रहा है कि मिठाइया ने जड़िया खत्म हो रही ने, तो अंदर स्टाफ जी टीम है समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री की बहुत वधिया जी इतने सर्विस प्रोवाइड कर रही है। लगातार अंदरों की ट्रेस चाहिए इतने आके रीस्टॉक की जा रही ने, तो लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो लोगों का यही कहना है कि दिवाली जो कैनेडा दे विच आ, इत्थे ईटोबीको दे विच आ जो माहौल बनया होया आ, बहुत वधिया लग रहा है उन्होंने। सर ने जिहड़ियां जलेबियां दिखाने, जलेबियां गर्मा गर्म कट के दिया, क्या कह रहे हैं सर? हाँ जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं कहूँगा कि खुशी का टाइम आ, भैन भाई सारे जिन्हां नूं नहीं शुगर तो वह अपने बचा के खाण, तो बाकी बच्चों नूं जलेबियां खवाओ, पकौड़े खिलाओ, लड्डू खिलाओ, तो खुशी मनाओ, सो वाहेगुरु का शुक्र मनाओ। हाँ, जलेबियाँ तो सब तो वधिया लगदिया ने इतों दियाँ? हाँ जी, हाँ जी, लड्डू वधिया लगते, असी विआह ते भी लैके गए सी लड्डू। हाँ जी, बहुत वधिया लगे, असी सारिआं नूं दित्ते विआह ते भी लड्डू, सारे खुश होए, तो बड़े खुश सी जी। तो लोगों को कहोगे कि जरूर इतों मिठाइया खरीदन? हाँ, प्राइज़ भी ठीक है, तो प्राइज़ भी देखनी पैंदी है ना, क्वालिटी तो क्वानिटी किदा दी है, तो उस हिसाब के नाल चीज़ लवो। तो मैं मिठाइया की खरीददारी करने लिए पहुंचे समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री दे, किवें दी लगदी ने मिठाई? बहुत मज़ेदार होते हैं, टेस्टी होते हैं, और हम हर साल आते हैं दिवाली में, तो इधर आ जाओ, साथ सब कुछ मिल जाता है, प्राइस वेरी रिजनेबल है, तो दिल करता है कि यहीं आ जाए, सब कुछ ले जाए, पूरे परिवार को दे। तो कितने साल हो गए यहाँ पे आते हुए? अबाउट 5-10 years। या इसका अच्छा ही होता है, इसीलिए। या और समोसे तो हम हमेशा ले जाते हैं, बट मिठाइयाँ भी अब इजी हो जाते हैं हमारे लिए यहाँ। तो 5 से 10 साल पहले मिठाइयों में कम वैरायटी देखने को मिलती थी, मतलब अब के टाइम पे ज़्यादा वैरायटी हो गई है? अब तो तरह तरह के फैंसी स्टाइल्स आते हैं। हाँ, टेस्ट तो वही है, बट कलर अच्छे होते हैं, देने में अच्छा लगता है। और इनकी क्लीनलीनेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वेरी क्लीन एंड वेरी नाइस, इवन देयर फैक्ट्री their samosas also very good, so we give it to our neighbors, sab hum sabko dete hain, neighbors inka buy karne friends ko dete hain. Do you want other people to come here? Yes, that's why they have a mela, otherwise you wouldn't have a mela.
right? So it's every year people come. The Samosa and Sweet Factory ਦੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੋ ਮੇਲਾ ਆ ਹਜੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ Samosa Sweet Factory ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਾਰੇ? ਬੜੀਆ, ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 10 ਇਅਰਸ ਸੋ ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਬਾਏ ਦ ਮਿਠਾਈਸ। ਆਪਕੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕਿਆ ਲੱਗਤੀ ਹੈ Samosa Sweet Factory? ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਔਰ ਪੇੜਾ, ਕੇਸਰ ਪੇੜਾ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਨੋ ਲਾਈਨ ਅਪਸ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕ ਸਰਵਿਸਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੁਛ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ? ਯਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸਰਵਿਸ। ਯਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ Samosa and Sweet Factory ਦੇ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਇਨਡੋਰ ਮਿਠਾਈ ਮੇਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਟ ਜਾਮੁਨ, ਬਲੈਕ ਜਾਮੁਨ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਿਠਾਈਆਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਖਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਰੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਠਾਈ? ਟਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ Samosa and Sweet Factory ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੈਨੂਅਨ ਰੇਟ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਾਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢ ਸਟੋਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਆਏ ਨੇ ਦੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਿਠਾਈ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਡੱਬੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ? ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੇਸਟ ਜ਼ਰੂਰ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ Samosa Sweet ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਠਿਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ Samosa and Sweet Factory ਦੇ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਜੀਆ, ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਬਰਫੀ, ਮਿਲੇ ਕੇਕ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮਿਲੇ ਕੇਕ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ Samosa and Sweet Factory ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ Samosa and Sweet Factory ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਲੈਸ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਟੇਸਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ Samosa and Sweet Factory ਦੇ ਮਿਠਾਈ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਪੈਕਡ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ। ਖੋਇਆ ਬਰਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੋਇਆ ਹਲਵਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਡੂ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਠਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਨੀ ਖੋਇਆ, ਪਿੰਨੀ ਅਲਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਆਪ ਯਹਾਂ ਕੀ ਮਿਠਾਈਓਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ? ਕਾਫੀ ਟੇਸਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗੁੱਡ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਤੇ ਹੋਏ? ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਇਅਰਸ, ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਇਅਰਸ। ਯਾ ਯਾ ਸਰ, ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ? ਆਫ ਕੋਰਸ, ਲਾਈਕ ਐਸ ਸ਼ੀ ਸੈਡ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੋਏ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ ਗੁੱਡ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਔਰ ਟੇਸਟ ਇੰਡੀਆ ਟੇਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੋ ਦੈਟ ਹੈਲਪਸ। ਮੈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਚੋਇਸ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਯੂ ਕੈਨ ਪਿਕ ਅਪ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਯਹਾਂ, ਸੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
तो बिल्कुल इंडिया तो भी ज़्यादा जी वैरायटी है लोगों इतने देखने को मिल रही है मिठाइया की, क्योंकि इतने खुद जो इंडोर मिठाई मेला लगे तो इतने खुद तुम पैक कर सकते हो, इसे करके ही लोग जरा इतने आना प्रैफर करते हैं। तो दूसरी गल इना टेस्ट क्वालिटी क्लीनलैस इसे करके ही लोग इतने आ रहे हैं तो मिठाइया की खरीददारी करते जा रहे हैं। तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री के ऑनर के नाल भी गलबात करने की कोशिश करते हैं। मैम तुम बेसन की बर्फी लै रहे हो, किवें दा टेस्ट लगता है? बहुत वधिया जी, फ्रैश बिल्कुल। या या तुहाडी फेवरेट लगती है? नहीं, बच्चे भी लाइक करते बेसन। या तुम हर साल दिवाली तो इतनी खरीदारी करने आने? कदे कदे आने, मैं दूर बहुत पैंता उधर, मैं स्टील तो फाइनैशियल तो रहनी हूँ। या इधर आई सी, मैं चल इतों ही लै चलते अच्छ। तो तुम चाहोगे कि अगले साल आने वाले सालों के होर लोकेशन से भी लगे मेला तुहाडे नेड़े? हाँ जी, लगे हुए बहुत, पर इतने आना प्रैफर किया। तो बिल्कुल लोग जो अपने घर के नेड़े दी जॉब्स ने जड़ियाँ वो छड़ के इतने आ रहे हैं। तुम भी जो अजे तक नहीं आए, मैं बार बार तुहानू कहूँगी, जो अजे तक मिठाइया की खरीददारी करने के लिए नहीं पहुँचे है, जरूर इतने पहुँच सकते हैं समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री के इनडोर मिठाई मेले के उपर। समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री के उपर लोग लगातार मिठाइया खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। पिछले लोगों के वालों बहुत वधिया रिव्यूज़ दिए जा रहे हैं। इस साइड से तुहानू बिलिंग सैक्शन के लेके आ चुके हैं, बहुत इतने कस्टमर की लाइन लगी हुई है तो स्टाफ बहुत ज़्यादा वधिया आया इन्हों का। हर वारी तुहानू इत्थे ज़रीगा जरूर मरवाने ये जो इन्हों टीम मैंबर्स ने, कुछ फैमिली मैंबर्स भी है तो इन्हों वालों बहुत वधिया तरीके दे नाल प्यार दे नाल तुहाडे नाल गल की जाती है। तो तुहानू ज़्यादा वेट करन दी भी लोड नहीं पैंदी हैगी, क्योंकि इन्हों के काउंटर ही बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। इत्थे तुसीं देख सकते हो कि कस्टमर्स आ रहे हैं लगातार इत्थों अपना बिलिंग करवा के, तो डब्बे ने जिहड़े अपने पैक करके जा रहे हैं। इस साइड तो ड्राई फ्रूट्स की भी जिहड़ी खरीददारी है लोगों के वालों की जा रही है, मिठाइया लिया जा रही ने, समोसे भी तो ड्राई फ्रूट्स भी इन्हों ले जा रहे। ड्राई फ्रूट्स जिवें कि तुहानू दिखाया सीगा बहुत वधिया जिहड़े पैकिंग दे विच आ चुके ने, डब्बियां दे विच भी हैगे ने। ते जे तुसी अलग यूनीक तरह की पैकिंग लैनी चाहते हो, अपने रिलेटिव्स नू गिफ्ट करना चाहते हो, खुश करना चाहते हो, उहदे लई भी लै सकते हो। सर की कहना चाहोगे इन्हां दीआं मिठाइयां बारे? इन्हां दीआं मिठाइयां हैगीआं नंबर वन है, हर साल ज़्यादा शुरू होया है, हर साल इत्थों लैण आई दी। हाँ, इन्हां दी शुद्ध मिठाइयां तो वधिया मिठाइयां है, रीजनेबल प्राइस है इन्हां दा। ते तो हानू सब तो वधिया फेवरेट केड़ी लगती है मिठाई है तुहाडे बच्चे? इन्हां दा मिल्क केक ते बाकी आ खड़ी है नाल 10 बजे केड़ी वधिया, ए सारा कुछ ही स्वाद आना दा। एक्चुअली मिल्क केक भी, गुलाब जामुन भी, बेसन, इन्हां दा जिहड़ा प्रबंध किया गया है वह किवें लग रहा पूरा, इन्हां दा जो अरेंजमेंट है? बहुत वधिया, बहुत वधिया, इदां होर किसे दे है नहीं। लोगों नूं रिकमेंड करोंगे कि जरूर इत्थे आउण? जरूर, मैं तो कहनी लैना ही इतों चाहिए, अपने मन पसंद पा लें। ओके जी, ओके जी। तो बिल्कुल देख सकते हो कि इतने जोड़े लोगों के वालों जो अरेंजमेंट्स ने उन्हों की बहुत तारीफ की जा रही है, तो तुम भी जरूर इतने आ सकते हो क्योंकि बहुत वधिया जी क्वालिटी के मिठाई तो मिल रही है समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री के। बहुत वधिया देख सकते हो, ट्रेस देख सकते हो कि लोगों के वालों फुल ने जड़िया अपनिया टोकरियां भरिया हुई ने। मैम किवें दियां लग रही ने मिठाइया समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री? बहुत वधिया लगती है जी, असं हर साल इतने ही आने लैन वास्ते, वधिया प्राइस है वड्डा इन्हों का। या असं धन्यवाद करते हैं इन्हें, वेरी थैंक यू करते, बहुत सारा करते हैं भी जी, ऐ लगता भी पूरी दिवाली है इंडिया वाली। तुसी की कहना चाहो? इट्स रियली गुड, या यस, थैंक यू। तुसी अपने रिलेटिव्स नूं गिफ्ट करते हो तो वो पुछते हैं कि कितों लैके आंदी, असी भी उत्थों ही लैके आ। हाँ जी, असं जो दिने डब्बे उन्हें दसते भी पंजाबी भाई नेचर नहीं, असं जाते असं सिर्फ समोसा फैक्ट्री से आने, मिठाइया लग रही ने। मैम तुम मिठाइया अपनिया मिक्स करके पैक कर रहे हो, कि लग गई मिठाइया क्वालिटी? बहुत अच्छी है, मुझे पंजाबी नहीं आती पर हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छी वैरायटी लग रही है और बहुत ही गुड प्राइस, एंड इट्स ऑलवेज बिन फ्रेश। आई हैव बिन शॉपिंग हियर सिंस लास्ट 15 इयर्स, यस, एंड इट्स बिन अमेजिंग। आपको 15 सालों में क्या क्या चेंजेस लगे? कुछ और ऑर्गेनाइज अच्छा लग रहा है? मच बेटर ऑर्गेनाइज नाउ, इतना पूरा प्रॉपर क्यू चलती है, पेमेंट में भी एक सिस्टम बना हुआ है बिल्कुल, सो इट्स बीन अमेजिंग, इट्स बीन ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस हियर। तो आपको यहाँ पे कौन सी मिठाई है जो आपकी पसंद है या आपके फैमिली को अच्छी लगती है? हमारे फैमिली को सारी अच्छी लगती हैं, ये बहुत सुंदर एंड कलरफुल, बट
आई थिंक हॉट डॉग मिठाई जो मेरी डॉटर बोलती है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बट इट्स दी हॉट डॉग वन देयर। सो उसके अलग से 5 गुलाब जामुन के अंदर जो फिलिंग भरी होती है ना, वो हॉट डॉग टाइप है, वो ही बोलते हैं। 4-5 बॉक्सेस मैं उसके अलग से लेके जाती हूँ। थैंक यू। तो बिल्कुल मिठाइयाँ दी लगातार जो कस्टमर्स आए हुए हैं उन्होंने वालों तारीफ की जाती है, सारे वालों अपनी जी खुद की फेवरेट मिठाई है वो बारे भी दसया जाता है। तो इतने अंकल आंटी जी भी देख सकते हो कि किनिया जड़िया मिठाइया दी ट्रेस भर रहे हैं। सत श्री अकाल अंकल जी, मिठाइया किवें दी लगदियां इन्हां दी? वधिया ने जी, वधिया, सब तो वधिया ही, जो कुछ है वधिया ही। तो बिल्कुल अंकल जी ने भी कहना कि बहुत वधिया, सारिया मिठाइया ही एक नंबर ने इन्हां दियां। ते इधर भी आंटी जिहड़े गुलाब जामुन ने उहदे डब्बा भर रहे ने गुलाब जामुना दे नाल। ते इत्थे हरमिंदर संधू सर साडे नाल जुड़न लगे ने, उहनां दे नाल गलबात करदे आ ते पुछदे आ उहनां तों कि लोकां दा जो इन्ना प्यार मिल रहा उहनां नूं किवें दा लगदा आ। सति श्री अकाल सर, की हाल चाल? सति श्री अकाल जी, की हाल है जी? हैप्पी दिवाली सानू जी, सारे श्रोतियां नूं मेरे वल्लों हैप्पी दिवाली। तुहानू भी हैप्पी दिवाली साड़ी पूरी टीम दे वल्लों। ते सर इत्थे अज आए हां ते लोकां दी इन्नी भीड़ है, बहुत वधिया जिहड़ा रिव्यूज, इन्ना प्यार दिता जा रहा समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री दीआं मिठाइयां नूं, किवें लग रहा, की कहना चाहुंदे? बहुत खुशी दी गल है जी, असीं बहुत ही लगे अपने कस्टमर दा धन्नवाद करना चाहुंदे हां, बहुत ही जोर शोर दे नाल, बड़े उत्साह दे नाल, जिस तरह तुसीं देख रहे किन्ने दिनां तों आ के मिठाई खरीद रहे आ, ते वी आर सो हैप्पी एंड थैंक यू टू ऑल आवर कस्टमर जिहड़े इन्ना एवरी ईयर मोर एंड मोर साडी सपोर्ट करके ते साडा उत्साह वधाउंदे आ जी। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਮ ਵੇਅਰਿੰਗ ਕੋਟ ਦੇ ਹੇਅਰ ਨੈਟ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਈਕ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਠਿਆਈ ਠੀਕ ਬਣ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 1850 ਐਲਮੀਅਰ ਰੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਫਰੈਸ਼ਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਮੋਸਾ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਠਿਆਈ ਆਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਐਂਡ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ। ਅਤੇ ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਿਠਾਈ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਇੰਨਾ ਵੈਲ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇਨਡੋਰ ਮਿਠਾਈ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਮ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਇਨਕੀ ਮਿਠਾਈਓਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ? ਇਟਸ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਲੁੱਕ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਟੂ ਆਲਸੋ ਕਮ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਟੇਸਟ ਦੇਅਰ ਸਵੀਟਸ? ਯਾ, everyone can come, everyone enjoy the festival, it's more colorful and tasty. ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰੋਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਨੇ ਭਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮਿਠਾਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹਮਦਰਦ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹਜੇ ਲੱਗਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 1815 ਐਲਬੀਅਨ ਰੋਡ ਈਟੋਬੀਕੋ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਲੀਟ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮਿਠਾਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਟੇਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 2-3 ਡੱਬੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਸੈਨ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਓਨਰ ਹਰਪਾਲ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਲਿਸਨਰਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
सर अज मेले का पंजवां दिन चल रहा है तो लोगों का बहुत ज़्यादा इकट्ठ देखने मिल रहा है, इन्ना प्यार दिता जा रहा है, तुहाडियां तारीफां दे पुल बनने जा रहे हैं, की कहना चाहोगे, किवें महसूस कर? देखो जी जिन्हिया भी तारीफा है ना साड़ियाँ ना साड़ी मठियाई दियाँ, ये बाबे नानक के नाँ दियाँ तारीफा, जो बाबे नानक की मेहर हुई है, बाबे नानक ने हमेशा साढ़े ते आशीर्वाद दिता सानू साड़ी फैक्ट्री नू सानू साढ़े परिवार नू, ये उन्हां दी मेहरबानी नाल ही चल रहा सारा कुछ, जो हुक्म उस करतार दा असी उसकी रजा च रहने उहदा हुक्म नू मानते हुए जो भी असी कर सकते अपने अपने तनों मनों असी बेहतरी कर बेहतर करने की कोशिश करते हैं और परमात्मा सब तो करा रहा, तो उहदा रिजल्ट ये तुसीं देख रहे हैं कि साढ़े पेरेंट्स ने जो सानू आशीर्वाद दिता जो सानू सिक्ख्यावां दित्तियां असीं उहदे ते चलदे हाँ जां असीं बाणी ते चलदे हाँ असीं उहनूं मानदे हाँ ते उहदा कह लो भी असीं हर वेले सत्कार करदे हाँ ते उसे रस्ते ते चलदे हाँ जिहड़ी इह कामयाबी मिली आ ते कामयाबी दा जिहड़ा सेहरा आ उह पहलां ते जिहड़े परमा उच्च परवरदगार दा उहदा वाहिगुरू दा फिर साढ़े कस्टमर दा फिर साढ़े एम्पलॉईज दा फिर मेरे सारे परिवार दा जिन्हां ने साडा असीं सारे रल मिल के ये सारा बिजनेस चलाने तो मेरे वालों साढ़े परिवार वालों साड़ी सारी समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री के सारे मैंबर वालों थानू थोड़े परिवार को हमदर्द टीवी के सारे हमदर्द मीडिया के सारे स्टाफ मैंबर सारे परिवार सारी लुकाई नू मानवता दिवाली दियाँ बंदी छोट दिवस दियाँ बहुत बहुत मुबारक तो असी दुआ करते हैं असी अरदास करते हैं परमात्मा के चरणों च भई जिस तरह परमात्मा ने साडे परिवार को तरक्की दी है इस तरह सारे परिवारों में कामयाबियां होन ते सारे परिवारों में तंदुरुस्ती रहे खुशियां खिड़े रहन ते साढ़े इत्थे आउंदे रहिए असीं मिलदे रहिए एक दूजे नूं ते खुश रहिए खुश रखिए। तो सर एक कुछ लोगों के नाल जो गलबात की कहें कि सानू दूरों दूरों आना पैंदा आ ते साढ़े नेड़े हैगे स्टोर पर असीं खास समोसा एंड स्वीट फैक्टरी ते आउंदे आ क्योंकि इन्हां दा टेस्ट बहुत वधिया ते लोगों ने डिमांड की है कि अगले आने वाले सालों के ब्रैम्पटन के भी एक इदां दा समोसा स्वीट फैक्टरी का मेला लगाया जाए तो यह हो सकता है? हर एक चीज़ संभव है। देखो कस्टमर का साथ कस्टमर दुआवां दे नाल ही चलता सारा कुछ ते जे वो अरदासां करदे आ ते वो अरदासां असीं भी करांगे ते परमात्मा सुनेगा डेफिनेटली एक दिन होएगा कि एडा मेला जिहड़ा ब्रैम्पटन विच भी लगेगा पर मैं इन्ना दस दिया कि एडे वड्डे स्केल नहीं पर छोटा मिनी मिठाई मेला जिहड़ा एन साइड चलो फ्रेशको ब्रैम्बली एंड सेंडलवुड की कॉर्नर के उत्ते लग चुका है और एन साइड चलो फ्रेशको उत्थे जा सकते हैं पर जिहड़ा असली मेला जिहड़ा उहदा जे आनंद लैना तो इत्थे आना पैना तो अरदासां करते रहो असी कोशिश करते रहांगे तो एक दिन ब्रैम्पटन के होर शहरों में भी एडे एडे मेले ला सकांगे। अज असीं तुहानू लैके आए ईटोबिको दे विच समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री के दिवाली इनडोर मिठाई मेले के उत्ते तो लोगों के रिव्यूज़ लए ने बहुत चंगे रिव्यूज़ दिए गए हैं, इन्ने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते सारे लोग सच ही कह रहे हैं क्योंकि इन्हां दीआं मिठाइयां सच्ची बहुत वधिया ने। तुसीं जरूर विजिट करो 1 नवंबर तक जो मेला आ लग्या रहेगा तुसीं किसी टाइम भी इत्थों आके मिठाइयां की खरीददारी कर सकते हो। फिलहाल साडे अज दे प्रोग्राम दे विच इन्ना ही, कैमरामैन रीतिंदर सिंह गरेवाल दे नाल गुरजीत कौर नूं दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।